नमस्कार दोस्तों, मेरे गोरखपुरी रसोई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ दम आलू। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे शाही दम आलू, आलू दम और काश्मीरी दम आलू। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और उसे छील लिया है। साथ ही लिया है कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने बड़ी सौंफ ली है, 2 चम्मच क्रश किया हुआ मिक्सी में, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च। साथ ही लिया है मैंने तड़के के लिए 1/2 चम्मच हींग, 2 स्टिक दालचीनी, 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 हरी मिर्च और शाही जीरा 1/2 चम्मच। साथ ही लिया है मैंने काजू का पेस्ट 2 चम्मच, चॉप्ड हरी धनिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और दही 2 कप। सबसे पहले हम लोगों को आलू को फोर्क की मदद से इस तरह से आलू में छेद करना है ताकि मसालों का, नमक का, सभी का फ्लेवर इसमें अंदर तक जा सके। ये देखिए, मैंने आलू को इस तरह से फोर्क से छेद कर लिया है और सभी आलू में हम लोगों को फ्राई करने के पहले इसी तरह से करना है। तो अब एक एक करके मैं यहाँ पे डीप फ्राई करूँगी और मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आलू दम का आता है, तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, मैंने सारे आलू इसमें डाल दिए हैं और लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है ताकि आलू अंदर तक पक सके। ये देखिए, कुछ आलू गोल्डन फ्राई हो गए हैं, मैं उन्हें एक प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। और ध्यान रखना है दोस्तों कि इसे हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे, तो आप इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाएँ। ये देखिए, सारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये अंदर तक पक भी गए हैं क्योंकि मैंने इन्हें बहुत ही लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन किया है। अब हम लोग ऑयल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल 4 चम्मच, उसमें मैं तड़का डालूंगी। तो मैंने हरी मिर्च, तेज पत्ता, शाही जीरा, जीरा, दालचीनी और हींग मैंने तड़के में डाल दिया है। इसे एक बार चला के हम लोग इसमें फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि ये मसाले तुरंत जले ना, जो मैंने तड़के में डाला है। और मैंने तुरंत ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे हम लोग, चला लेंगे। अब मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे सौंफ मैंने लिया है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काश्मीरी मिर्च। ये सभी मसाले मैं धीरे धीरे ऐड कर दूंगी। सौंफ बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है इसमें, हींग है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग से फ्लेवर देती हैं दम आलू को। तो काश्मीरी मिर्च बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और डायरेक्ट मैंने ऑयल में डाला है और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि ये मसाले जले ना। 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ क्योंकि आलू दम की जो ग्रेवी होती है वो दही से ही बनती है, तो मैंने दही इसीलिए यहाँ पे 2 कप लिया है। इसमें ना प्याज ना टमाटर पड़ता है, तो दही से ही इसकी ग्रेवी रेडी होती है। यहाँ पे मैंने काजू पेस्ट डाल दिया है 2 चम्मच। इससे बहुत ही रिच टेस्ट आता है और
थोड़ी थिकनेस भी बढ़ जाती है ग्रेवी की। साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक, हरी धनिया मैंने फ्लेवर के लिए इसी समय डाला है थोड़ा, अब हम लोग ग्रेवी को 5 से 10 मिनट तक धीमे फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए 5 से 10 मिनट मैंने ढक के रखा है और ग्रेवी इस तरह से दिख रही है। अब मैं यहाँ पे आलू डाल दे रही हूँ और थोड़ा पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए, ताकि आलू जो है इसमें अच्छे से पक सके और ग्रेवी धीरे धीरे थिक होती जाएगी। हरी धनिया फिर मैंने डाला है थोड़ा, और इसे हम लोग 10 से 15 मिनट तक ढक के एकदम छोड़ देंगे, ताकि आलू जो हैं वो अंदर से अच्छे से पक जाएं और मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो दोस्तों, मेरे यहाँ जो सभी लोग ड्राई दम आलू पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ड्राई दम आलू बनाया है। आप चाहें तो आप ग्रेवी बना सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे ये ड्राई हो गया है और आलू अंदर तक पक चुके हैं। ये देखिए टेक्सचर एकदम इसका ड्राई है। ये देखिए दम आलू हमारे तैयार हो गए हैं और मैंने इसे पनीर से गार्निश किया है और हरी धनिया से गार्निश किया है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग आप ये ट्राई करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए कि कैसा बना। तो मेरे चैनल को दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे रेसिपीज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।